ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੰਡ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। कोयले के जो ब्लॉक्स के जो एलोकेशन करे गए थे सन 93 से लेकर 2004 तक और फिर 2004 से लेकर 2009 तक सबको अवैध डिक्लेयर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि चाहे वो स्क्रीनिंग कमिटी के थ्रू एलोकेशन करे गए हों, चाहे सरकार के थ्रू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को एलोकेशन करे गए हों, सब में कोई पारदर्शिता नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं फॉलो किया गया था, बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से, बिल्कुल अवैध तरीके से भाई भतीजावाद के संग इन एलोकेशंस को किया गया है। और इस वजह से सारे एलोकेशंस जो केंद्र सरकार ने किए थे, चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए चाहे निजी कंपनियों के लिए, सबको अवैध डिक्लेयर कर दिया है। खबरों दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरों नाल जुड़े रहो दिन रात।